नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के मिलने के बारे में कुछ कहने या बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सरकारी अस्पतालों में जीवित मरीज सुविधाओं के अभाव में भले ही दम तोड़ दे, लेकिन मुर्दों का एक्सरे कर दिया जाता है, वो भी एक नहीं पूरे 10 बार। हम यहाँ बात कर रहे हैं मेरठ के सरकारी मेडिकल कॉलेज की, जहाँ पर यह मामला उजागर हुआ है। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने एक लाश का 10 बार एक्सरे करा दिया। हालांकि ऐसा करना ईएमओ और ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों पर काफी ज्यादा भारी पड़ गया। सभी से प्राचार्य ने लिखित में जवाब भी मांग लिया है और निलंबित भी कर दिया है। इस घटना ने ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि सरकारी चिकित्सा सेवा कितनी संवेदनहीन हो चुकी है। लापरवाही की हद तो देखिए कि चोट कहां कहां लगी है, ये देखने के लिए 10 बार एक्सरे कराया गया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने जवाब तलब किया तो बताया गया कि जिस दौरान एक्सरे हुआ, उस दौरान वो गंभीर स्थिति में था और सांसें चल रही थी, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट चिल्लाकर कह रही है कि मौत हादसे के दिन ही हो चुकी थी। हैरानी की बात यह है कि मरीज को जब मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, उस दौरान वो काफी गंभीर हालत में था। ऐसे में चिकित्सकों का उपरोक्त जवाब अब प्राचार्य डॉक्टर आर सी गुप्ता के गले से नीचे नहीं उतर रहा। ये 20 तारीख का मामला है। 20 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था। वो पेशेंट यहाँ पे आया था, उसको फ्रैक्चर थे कुछ, और उसको हमारे डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। 10:30 बजे करीब आया था, उसको 1 बजे तक वो पेशेंट ठीक था। 1 बजे वो अचानक डिटोरेट हुआ और डिटोरेट होकर के वो 1:30 बजे उसकी डेथ हो गई। तो कुछ कई बार ऐसा होता है मेडिकल में कि हम लोग वो लगता नहीं कि पेशेंट ये हो जाएगा, लेकिन अचानक डिटोरेट हुआ, डेथ हो गई। तो इन लोगों को थोड़ा सा ये लगा कि पेशेंट को बचना चाहिए था, कैसे पेशेंट मरा। तो इन लोगों ने हमको बताया कि भाई वर्च्यू ऑफ दियर एंथुजियाज कि ये हुआ क्यों, पेशेंट क्योंकि डेथ क्यों हुई, उन्होंने उसके मरने के बाद एक्सरे करा लिया कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। और कि जिससे उन्होंने ये हमसे कहा कि इसलिए किया सर कि पता नहीं, हो सकता इस तरह कोई पेशेंट भी हमारे फ्यूचर में आए, तो इस अगर कोई इसमें हमसे गलती हो गई हो या जिस चीज़ हमने उन लोग ना जान पाए हों, वो चीज़ आगे में हम लोग थोड़ा सावधानी रखें। उसमें ये हुआ कि अब जो प्रोसीजर फॉल्ट है उसमें ये है कि उन्होंने उनको ये चीज़ अपने सीनियर से बतानी चाहिए थी। उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी डॉक्टरों से जवाब तलब करते हुए नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि अभी तक किसी भी डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया है। नोटिस जारी होने के बाद मेडिकल में खलबली मच गई है। जिन 2 जूनियर चिकित्सकों को निलंबित किया गया, उनके नाम है डॉक्टर निकुंज और डॉक्टर सुप्रियो। मेरठ के जागृति विहार में पिछले दिनों एक कार ने रिक्शा चालक अख्तर को गंभीर रूप से घायल किया। घायल अख्तर को मेडिकल इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसी दिन अख्तर की मौत हो गई और इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात सर्जरी और ऑर्थो के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स और ईएमओ ने बॉडी का एक्सरे करा दिया। इस मामले के सामने आने पर सभी डॉक्टरों को फटकार लगाई गई, जिस पर जूनियर डॉक्टर ने मौखिक तौर पर मेडिकल के अधिकारियों को बताया है कि अख्तर की हालत ठीक हो रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। अब मौत का कारण जानने के लिए जहां जहां अख्तर को चोट लगी, इसलिए उसका एक्सरे किया गया। यहां पर एक और कड़ी जुड़ती है कि अगर अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट होता तो शायद एक्सरे कराने की जरूरत नहीं पड़ती। मेडिकल कॉलेज में कई साल से कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जिस कारण रेडियोलॉजी विभाग टेक्निकल स्टाफ के भरोसे बैठा रहता है। यानी कि मेडिकल कॉलेज में एक्सरे, सीटी और एमआरआई आदि रेडियोलॉजिस्ट चिकित्सक नहीं बल्कि टेक्निकल स्टाफ करता है। अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट होता तो बिना कॉलेज प्रशासन के एक्सरे की अनुमति नहीं मिलती। अब रेडियोलॉजिस्ट के ना होने से अस्पताल की एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन समेत अन्य जांचें भी प्रभावित होती आई हैं, जिसके कारण विभिन्न जनपदों से आने वाले मरीजों को दिन पर दिन वापस लौटने पड़ता है और ऐसी स्थिति का बार बार सामना करना पड़ता है। फिलहाल सवाल यह है कि एक मुर्दे का 10 बार एक्सरे कर दिया गया। इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।